हेलो गाइस, मैं पारुल अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सबका स्मार्ट किचन सीरीज के इस एपिसोड में। तो गाइस, आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लेकर आ रही हूँ वो है ओस्मोन कंपनी का ओटीजी। ओटीजी मतलब ओवन टोस्ट एंड ग्रिल। ओटीजी ओवन यूज करता है निकल और क्रोमियम कॉयल इसको हीट करने के लिए, जिससे कि जब आप इसमें खाना बनाते हैं तो ये हमारे खाने को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता सिवाय उसे कुक करने के। जब भी आप ओटीजी ओवन में खाना बनाएंगे तो किसी प्रकार की हार्मफुल वेव्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती और ना ही खाने में एब्जॉर्ब होती है। सो दिस मेक ओटीजी ओवन गुड एंड सेफ फॉर योर हेल्थ। तो गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग से और बताते हैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में। गाइस देखिए, अनबॉक्सिंग हो चुकी है और देखने में एकदम बहुत ही गजब का प्रोडक्ट लग रहा है। स्टेनलेस स्टील की इसकी पूरी बॉडी है, 25 लीटर की कैपेसिटी है, 1500 वॉट का है और इसके साथ निकली है कुछ एसेसरीज, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ इसकी इंस्ट्रक्शन बुक है, इसको कैसे यूज करना है सब कुछ इसमें बताया गया है और ये है इसका वारंटी कार्ड, तो 1 ईयर की इसकी वारंटी है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ उसकी एसेसरीज जो कि इसके साथ आई हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले है रोटिसरी फोर्क, सपोज आपको पनीर टिक्का बनाना है या कुछ भी नॉनवेज में ग्रिल करना है तो उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। और इसके साथ दिया गया है रोटिसरी हैंडल, इसको इस तरह से आपको होल्ड करना है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। तो इसके बाद एक और यहाँ पर दिया गया है, ये है वायर रैक और वायर रैक के साथ यहाँ पर गाइस ये है क्रम ट्रे, इन सबको मैं अभी आपको असेंबल करके इसमें दिखाऊंगी। और इसके बाद है ये फूड ट्रे, सपोज आपको कोई भी बिस्किट वगैरह या कुछ भी आपको बेक करना है, गार्लिक ब्रेड पिज्जा वगैरह आप इसमें रख के कर सकते हैं। और ये है हैंडल इसको होल्ड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कूल टच हैंडल के साथ। तो ये जो हैंडल है ये कूल रहेगा, हीटिंग इसमें नहीं रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्लास दिया गया है, टफन ग्लास है, जो भी चीज़ इसमें बनेगी आप इसमें बाहर से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं खोलकर दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉयल दी गई है, दो नीचे हैं और दो ऊपर की तरफ हैं और ये साइड में यहाँ पर इनको जो एसेसरीज हैं उनको सेट करने का रैक दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ट्रे लगाकर। तो ये सबसे नीचे लगती है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो भी आप खाना बनाते हैं तो नीचे से जो ओटीजी है हमारा गंदा नहीं होता, तो जब भी आप इसको रिमूव करके क्लीन कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पर ये जो रैक है इसमें आप इस तरह से इनको ट्रे को लगा सकते हैं, कुछ भी बिस्किट बेक करनी है या फिर पिज़्ज़ा या फिर गार्लिक ब्रेड बनानी है तो उसको आप ये वाली ट्रे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और ये दिया हुआ है, तो इस तरह से इसको आप, ये जो ट्रे है आप कहीं भी ऊपर नीचे कैसे भी सेट कर सकते हैं, तो ये डिपेंड है आपके ऊपर। तो इजीली आप देख सकते हैं एकदम अंदर जा रही है। तो यहाँ पर अब ये है फूड ट्रे होल्डर, सपोज आप इसमें कुछ भी बना रहे हैं तो काफ़ी गर्म होता है तो इस तरह से होल्ड कर कर आप इसको निकाल सकते हैं और इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ रोटिसरी फोर्क, तो इस तरह से मैंने इसको अंदर डाल दिया दोनों तरफ से और ये जो पेच होता है आप इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए फूड डालने के बाद। और ये जो हैंडल है रोटिसरी फोर्क को इस तरह से आपको इसको अंदर रखना है, तो अंदर एक होल रहता है और स्टैंड होता है, तो इस तरह से आप इसको रख दीजिए और जब आपका खाना कुक हो जाए तो बस आपको सेम इसी तरह से इसको निकाल लेना है। तो देखिए, तो अब बात करते हैं इसकी नॉब्स की। तो जो फर्स्ट नॉब यहाँ पर दी गई है वो है टेम्परेचर को सेट करने के लिए और मैक्सिमम टेम्परेचर 230 है, तो आप 230 डिग्री तक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसकी सेकंड नॉब की तरफ जो कि है फंक्शन। तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं आप देख सकते हैं, तो ये आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन है, सपोज आपको ये जो फर्स्ट फंक्शन आप यूज़ करेंगी तो उसमें बोथ ग्रिल जो है वो ऑन हो जाएंगी और फैन भी ऑन रहेगा। सेकेंड वाले में ऊपर की जो ग्रिल है वो ऑन रहेगी और फैन ऑन रहेगा। थर्ड वाला जो है वो बहुत ग्रिल ऑन रहेंगी और विदाउट फैन, मतलब इसमें फैन नहीं चलेगा, केवल जो आपकी कॉयल है ऊपर और नीचे की वो गर्म होंगी। और ये जो है फोर्थ वाला, टॉप ग्रिल ऑन होगी विद रोटिसरी, सपोज आपको उसमें पनीर टिक्का या चिकन ग्रिल करना है तो आप इस फंक्शन को चूज करेंगे। और फिर बोथ, ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर बोथ ग्रिल ऑन रहेंगी विद फैन और रोटिसरी। तो ये अलग अलग फंक्शन आप इस तरह से इनको चूज कर सकते हैं, इस तरह से जाइए और कुछ भी यहाँ पर फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं इसके थर्ड नॉब पर जो कि है टाइम। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम आप सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो टाइम है वो 60 मिनट है और ये है स्टे ऑन। तो कंटिन्यूसली अगर आपको 60 मिनट से ज़्यादा
कंटिन्यूस इसको हीट करना है तो आप स्टे ऑन बटन यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इनको स्मूथली ये जो है इनका काफ़ी स्मूथली आराम से ये सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी आप कोड लेंथ देख सकते हैं, हाफ मीटर के करीब है और जो प्लग है वो 15 एम्पीयर का है। तो ये सारे फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कुछ रेसिपीज बनाकर। तो रेसिपी को बनाने से पहले इसे हमें प्रीहीट करना होता है। तो यहाँ पर ये टाइम जो है मैं ले रही हूँ 10 मिनट के लिए, और देखिए जैसे ही मैंने टाइम इसका ऑन किया यहाँ पर अंदर लाइट ऑन हो चुकी है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप अंदर जो भी कुक कर रहे हैं वो आप इजीली देख सकते हैं। और टेम्परेचर अब मैं सेट करूँगी यहाँ पर 120। तो 120 पर 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट कर लेते हैं। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लास डोर होने का फ़ायदा होता है कि अंदर जो भी सामान कुक हो रहा है आप इजीली देख सकते हैं, और इसी की वजह से इसमें बल्ब भी दिया गया है अंदर की तरफ। और OTG ओवन में थर्मोस्टेट होता है जो कि टेम्परेचर को एक ऐसी रेंज में सेट करके रखता है कि जिससे कि आपका खाना जो है प्रॉपरली कुक हो हर तरफ से। तो गाइज आपने देखा मैंने इसमें 3 रेसिपीज आपको बनाकर दिखाई है, केक बेक करके दिखाया है, पनीर टिक्का इसमें बनाकर दिखाया है और पिज्जा ब्रेड इसमें बनाकर दिखाई है। और आपने देखा तीनों ही आइटम बहुत ही बढ़िया बनी है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड है फूड को कुक करने का, तो जो टेस्ट है वो भी ट्रेडिशनल ही आता है। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसकी जो कैपेसिटी है वो 25 लीटर कैपेसिटी है। जनरली OTG अगर आप देखेंगे तो 16-20 लीटर कैपेसिटी के आते हैं, जो कि स्मॉल फैमिली के लिए सही रहते हैं। और उसके बाद जो आते हैं वो 26 से 60 लीटर की कैपेसिटी तक आते हैं, जो कि बड़ी फैमिली के लिए है। लेकिन ऑस्मोन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है 25 लीटर का कैपेसिटी का, तो ये स्मॉल फैमिली और जो आपकी बड़ी फैमिली है उसके लिए दोनों के लिए फिट बैठता है। और आप देख सकते हैं एकदम कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, तो काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने यहाँ पर इसकी कैपेसिटी दी है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ सेफ्टी पॉइंट्स की। तो कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी है इसको मेंटेन करना। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि जहाँ भी आप इसे रखें इसके चारों तरफ थोड़ा सा स्पेस करके ही रखें, बिल्कुल दीवार से सटाकर इसको नहीं रखें, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाता है, हीट निकलती है गर्म, तो चारों तरफ से इसको थोड़ा सा सब तरह से गैप बनाकर आप रखिए। सेकेंड है, जब ये आप खाना इसमें कुक करें तो ठंडा हो जाने के बाद ही इसको खोलकर अच्छे से क्लीन करें, गरम गरम में मत करें। तो गाइज यहाँ पर एक और चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इसमें खाना कुक करें तो ये चारों तरफ से काफ़ी गर्म हो जाता है, केवल इसका हैंडल है और जो नॉब है वो ही कूल रहती है, लेकिन अदरवाइज इसकी जो चारों तरफ की बॉडी है काफ़ी गर्म हो जाती है, तो आप इसको टच ना करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो गाइस 25 लीटर कैपेसिटी में 5000 रुपीज़ की रेंज में ये ओटीजी आपको मिल जाएगा, और अगर सेल चल रही है तो प्राइस कभी कभी आपको डाउन या फिर अप भी मिल सकते हैं। तो करंट प्राइस जानने के लिए आपको नीचे दिए गए वीडियो में डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं और उसी लिंक से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यहाँ पर इसकी एक समरी आपको बता देती हूँ। तो 25 लीटर कैपेसिटी में एक डिसेंट प्राइस पर एक कॉम्पैक्ट और बहुत ही स्मार्ट प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, और रेसिपीज भी आपने देखा इसमें बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है और बहुत ही इजी टू यूज़ है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है। तो अगर आप ओटीजी खरीदना चाहते हैं तो बेहतर होकर इस ओटीजी को खरीद सकते हैं। गाइज इस प्रोडक्ट के अलावा हमारी स्मार्ट किचन सीरीज में बहुत सारे स्मार्ट प्रोडक्ट हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल डाइट किचन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और भी ढेर सारे नए और स्मार्ट प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय।